हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको openoffice.org राइटर वर्ड प्रोसेसर के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग गैलरी ऑप्शन के माध्यम से कैसे अपने डॉक्यूमेंट पेज में पिक्चर कैसे लेकर आते हैं, कैसे थीम लेकर आते हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे लेकर आएंगे या बुलेट कैसे लेकर आएंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना openoffice.org को खोलें। डबल क्लिक किया, ये मेरा openoffice.org का फर्स्ट ओपनिंग विंडो आ गया। यहाँ देखें, वेलकम टू openoffice.org, नीचे है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो हम मुझे किस में लेकर आना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करूँगा तो openoffice का पहला पेज मेरा आ जाएगा। आने के बाद देखें, यहाँ पे टाइटल बार है, उसके बाद मेनू बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार के स्टैंडर्ड टूल बार के इस जगह पे देखें, ये गैलरी का आइकन है। इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर लाने के लिए। तो गैलरी का इस्तेमाल हमें करना है तो क्या करें, गैलरी पे क्लिक करें। जैसे ही गैलरी पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे एक गैलरी का पैलेट ओपन हो जाएगा। इसमें देखें न्यू थीम, और इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड में बैकग्राउंड बुलेट्स। बैकग्राउंड के अंदर कुछ रेडीमेड बाई डिफ़ॉल्ट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर ये ओपन ऑफिस के अंदर ही रहता है। कुछ थीम्स हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। क्लिक करें और माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए, ड्रैग करते हुए अपने डॉक्यूमेंट पेज पे लाके रिलीज़ कर दें। तो ये बैकग्राउंड थीम आ गया। यहाँ से आप कोई सा भी पसंद जो आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें, माउस का लेफ्ट क्लिक करें, उसे सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करते हुए लाकर अपने पेज में रिलीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम पिक्चर लेकर आएंगे। तो गैलरी का इस पैलेट को अगर आप गौर से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें न्यू थीम एक बटन है, इस पर क्लिक करें। करने के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू थीम का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देखें जनरल और फाइल्स, फाइल्स को सिलेक्ट करें। यहाँ पे देखें फाइल टाइप्स, उसमें देखें ऑल फाइल्स, और उसके बाद फाइंड फाइल्स। राइट हैंड साइड में फाइंड फाइल्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पाथ नाम का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देखें सिलेक्ट, प्लीज़ सेलेक्ट अ फोल्डर। कंप्यूटर का जिस हिस्से में भी आपने पिक्चर रखा हुआ, चाहे सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, किसी भी ड्राइव में आपने पिक्चर रखा हुआ, वहाँ पे चाहें, जैसा कि यहाँ पे देखिए अलग से रखा हुआ फ़ोटोज़ नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर है, इस पर उसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ओके पे क्लिक किया। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा उस फोल्डर के अंदर 5 पिक्चर्स है, 5 पिक्चर्स है जो आप देख सकते हैं, JPG फॉर्मेट में, एक PNG में है। उसके बाद जिस पिक्चर को आपको देखना है उस पर क्लिक करें, और राइट हैंड साइड में देखें प्रीव्यू बटन है, उसको क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू बॉक्स में पिक्चर आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो इस ये जो पिक्चर है जितने सारे पिक्चर एक साथ भी ला सकते हैं, अदरवाइज एक एक को सिलेक्ट करें और ऐड पे क्लिक करें। अगर सारे के सारे आपको पिक्चर चाहिए तो ऐड ऑल पे क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया मैंने, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। करने के बाद आप पैलेट के गैलरी पैलेट के इस हिस्से में जो मेरे 5 पिक्चर्स थे वो यहाँ पे आपको मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पर आप माउस पॉइंटर रखें और माउस का लेफ्ट क्लिक करें और उसे सेलेक्ट करते हुए, ड्रैग करते हुए अपने डॉक्यूमेंट पेज में ला के रिलीज़ कर दें। अगर पिक्चर अगर बड़ा है आपका तो कॉर्नर पोर्शन में पिक्चर को रिसाइज कर लें। हैंडल दिया हुआ उससे आप रिसाइज भी कर सकते हैं पिक्चर को। ये मैंने रिसाइज इसे ज़रा छोटा कर लिया, पेज को पेज के हिसाब से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर मेरा आ गया। उसके बाद मैं एक और तरीका दिखाता हूँ कि गैलरी कहाँ पे मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड टूल बार में तो आपने देखा, अब दूसरा देखें, यहाँ मेनू बार में जाएंगे तो यहाँ पे देखें टूल्स, टूल्स एक बटन है, इस पर आप क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी, नीचे आएंगे तो गैलरी वो सेम है, यहाँ से भी ला सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड टूल बार से भी आप पिक्चर या बुलेट या बैकग्राउंड यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ देखें बैकग्राउंड के बाद बुलेट्स भी हैं, यहाँ से जो भी बुलेट जो भी पसंद है आपको, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखना और ड्रैग करके पेज में ला कर रिलीज़ कर देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गैलरी के माध्यम से पिक्चर लेकर आते हैं, थीम लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।